हेलो दोस्तों वेलकम टू वी मे क्रिएटर्स आज का ये वीडियो थोड़ा सा मतलब अपने यूट्यूब और डिजिटल से ही रिलेटेड है बट कुछ चीज़ें एक मॉरल वैल्यूज में आपको देना चाहता हूँ जो मैंने खुद सीखी हैं आज से कुछ टाइम पहले वे लाइक तकरीबन पाँच से छः साल पहले सात साल पहले एक होता है कि आवाज़ उठाना किसी भी चीज़ के प्रति आपने कई वीडियोस देखी होंगी कि बहुत सारे लोग क्रॉस कर रहे थे ऑपोजिट लेन से और एक बाइक वाला आता है और वहां लगा देता है फिर लोगों को हट के अपने सही लेन में जाना पड़ता है राइट ऐसी वीडियोस कई आपने देखी होंगी एक वॉइस उठती है फिर उसके साथ धीरे धीरे लोग आने लगते हैं सपोर्ट में बोलना सबको होता है बहुत सी भीड़ होती है आसपास सबका मन करता है कि इस गलत के ख़िलाफ़ मैं आवाज़ उठाऊं लेकिन कोई बोल नहीं पाता लेकिन उसी में से कोई एक पर्सन आगे निकल के आता है फिर धीरे धीरे लोग आने लगते हैं सही के खिलाफ अगर कोई गलत हो रहा हो तो मैं आपको अपना इंसिडेंट बताता हूँ मैं ज़्यादा डिटेल नहीं करूँगा बिकॉज मैं इन चीज़ों पे ज़्यादा कोई वीडियोस वीडियोस बना के ऐसा कुछ मेरा कोई मोटिव नहीं है जस्ट बिकॉज ऑफ़ क्योंकि यू आर अ फैमिली पार्ट ऑफ़ फैमिली हमेशा वीडियोस बनाता हूँ आप देखते हो मैं देखता हूँ तो मेरा एक काम है आपसे शेयर करना कि डिजिटल होना कितना इंपॉर्टेंट है ये मुझे समझ आता है वैसे ये बात भी राइट है कि हेल्प करने के लिए या आवाज़ उठाने के लिए कोई डिजिटल होना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन एक बार जब मैं खुद अपने आप को फील कर रहा हूँ कि जब आप डिजिटल होते हैं ना तो एक अंदर आपके अंदर एक पावर आ जाती है पावर क्या होती है कि पहले इससे पहले मैं आपको समझाता हूँ एक्चुअली क्योंकि ये कोई वीडियो कोई सोची समझी तो है नहीं जो दिल में आ रहा है वो बोल रहा हूँ कुछ इंसिडेंट अभी मेरे साथ हुआ अगर आप इंस्टा पे हो तो आप देख चुके होंगे मैं इस पर डिटेल नहीं करना चाहता वहाँ पे बहुत से लोग खड़े थे जो हेल्प करना चाह रहे थे उस लेडी का किसी ने हेल्प नहीं की लेकिन मैं जब आया आवाज़ उठाने उसके बाद सभी आए बात ये नहीं कि किसी ने नहीं की सबका मन था सब आए सब ने हेल्प की सबने पाँच छः घंटे वहाँ इधर उधर जो भी हुआ सब किया और उस लेडी की वाकई हेल्प की मैं मानता हूँ कि उसको खुशी क्या ही मिलेगी लेकिन कुछ एक स्टेप तो हुआ उसके कारवे में अब हुआ क्यों क्योंकि मैंने एक आवाज़ उठाई अब सबसे बड़ी बात पता है क्या है कि मैंने क्यों क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जब मैं बताऊँ मैं क्या कैसा इंसान था मुझे नहीं पता लेकिन राओ मैं बहुत कैलकुलेटेड होकर गलत या सही काम करता हूँ अगर मैं कोई गलत काम कर रहा होता हूँ तो मुझे ये फील होता है कि अरे यार डिजिटली इतने लोग मुझे जानते हैं अगर मैं कोई गलत करूँगा क्या सोचेंगे वो इसीलिए मैं वो गलत काम करना छोड़ देता हूँ और मैं आपको एक चीज़ शेयर भी करता हूँ कि लाइक मेरा हमेशा ये मानना है कि अगर आपको कोई चीज छोड़नी हो ना ढिंडोरा पीट दो आसपास जैसे अगर आपको लगता है कि आप आ, आ, जैसे बहुत से लोग ना मैं मेरे गांव में छोटे छोटे बच्चे तंबाकू खाते थे <laughs> सब तम्बाकू खाते थे एक आध बार मैंने भी चुपके से मतलब किसी ने टेस्ट करा दिया ऐसी तो ना हल्ला सा हो गया गांव में कि भाई अमरीश भी तम्बाकू खाता है बट लिटरली मैंने कभी इन चीज़ों पर मतलब डेली बेसिस पे ऐसा शाम को मिलते वक्त फ्रेंड जोन में ऐसा कभी नहीं ऐसा एग्जैक्ट ट्राइज का मैंने थू बहुत गंदा लगा मुझे बट हवा चल गई बट मैंने बहुत क्योंकि मैं किसी करता नहीं था तो मैंने सारा जो ढिडोरा पिट दिया क्योंकि मैं वो चीज़ करता ही नहीं था राइट सो so, अगर आप कोई चीज़ की आदत छोड़ना चाहते हो जैसे कि आपकी कोई गलत आदत है ठिंडोरा पीट दो ढिंडोरा पीट दो हर जगह ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है सो so, मेरे को ऐसा लगता है कि डिजिटली इतने लोग जानते हैं अपने को अगर गलत करूँगा तो लोग गलत देखेंगे और वहीं पर अगर किसी के साथ गलत हो रहा हो और वो चीज़ मैं रोकूँगा तो मेरे साथ हजारों लोग खड़े हैं जो मुझे सपोर्ट कर सकते हैं ये चीज़ सोच के मैंने वहाँ हेल्प की और लोग आने लग गए सो आप में से बहुत से लोग Uh, ये बात राइट है कि कई बार हम फाइनेंशियली फ्रीडम नहीं होते कई बार हम खुद सक्षम नहीं होते पैसों से पावर से इससे लोगों की हेल्प नहीं कर पाते बट कईयों के पास पावर होता है लेकिन उसका वो बहुत मिसयूज़ करते हैं कईयों के पास बहुत सारा पैसा होता है उसका वो बहुत मिसयूज़ करते हैं लेकिन मैं इतना मान चुका हूँ कि जो लोग डिजिटली आ चुके हैं अगर उनके पास पावर और पैसा दोनों चीज़ें हैं तो उसका वो सदुपयोग करते हैं ये मैंने बहुत से लोगों के साथ देखा है बहुत से यूट्यूबर्स हैं जो इस टाइप के हेल्पफुल काम करते हैं जब उनके पास पावर और पैसा दोनों चीज़ आती है और मैं गारंटी देता हूँ कि मैं अपने आने वाली पीढ़ियों को चाहे वो वट एवर ही डिट वट एवर ही डिट कुछ भी करें मेरे बच्चे लेकिन उनको कहीं ना कहीं मैं डिजिटल से जोड़ के रखूँगा किसी को अगर जो भी प्रोफेशन में जाना है उस प्रोफेशन को डिजिटल ही लाऊँगा लेकिन उसको डिजिटल रखूंगा कम से कम एक मॉरल वैल्यूज़ आती है उसके पास प्रेशर रहता है उसके पास कि लाखों लोग उसको देख रहे हैं लाखों लोग उसकी गलत और सही की पहचान करेंगे सो so, ये चीज़ करने के लिए जो मैंने अपने सीखी है इससे पावर मिलती है आपने देखा कि सोनू सूद जब तो उन्होंने डिजिटली लोगों की हेल्प करी वीडियोस वायरल होना शुरू हुई क्या लगता है उन्होंने एक की हेल्प की क्या नहीं उनको देख के हज़ारों लोग जो डिजिटली थे उन्होंने हेल्प करना शुरू किया और मैं बता दूँ इस दुनिया में हर इंसान सेल्फिस होता है कोई पैसों के लिए कोई 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 दुआओं के लिए कोई कोई सेटिस्फैक्शन के लिए कि किसी की हेल्प करके मैं सेटिस्फाइड हो जाऊँ लालची हर कोई है और यही लालच इंसान को अच्छा बनाती है और आगे बढ़ाती है सो so, आप में से जितने भी यूट्यूबर्स और यूटी फैमिली डिजिटल पे काम कर रहे हैं आई वुड सजेस्ट जो लोग नहीं भी कर रहे हैं वीडियो देख रहे हैं डिजिटल होना शुरू कर दो यार आपका फेसबुक अकाउंट है आप मुझसे पहले आप से डिजिटल हो गए आपके आपसे चैक चेक करो अपना फेसबुक मोबाइल सात साल आठ साल पहले बनाया हुआ सर मैंने भी बहुत पुराना बनाया हुआ है लेकिन एक जस्ट एक रैंडम कह रहा हूँ कि आप बहुत डिजिटल पहले से हो इस्तेमाल तो करो फेसबुक पर लाइव आ जाओ टॉक टू ओन फ्रेंड्स उनसे बात करना शुरू करो कैसे हो आप और बड़ा कॉन्फिडेंस है बहुत बात करो उनसे डिस्कशन करना शुरू करो जब तक डिस्कस नहीं करोगे चीज़ें क्लियर नहीं होंगी आपने आप को निखारो डिजिटल आओ हो चुके हो आप डिजिटल बस उसको रमाना शुरू करो सो so, इस वीडियो में मैं अपने आप को बस यही कहना चाहूँगा कि थैंक्स टू मी थैंक्स टू मी कि मैं अपने आप को डिजिटल लेके आया राइट एंड यू ऑल बस यही कहूँगा कि यार गो फॉर इट एंड मेक इट डिजिटल कुछ तो करो ऐसा कि बनाओ कुछ भी डिजिटल करो बट करो बस यार मैं अपनी लाइफ में बहुत खुश हूँ बहुत खुश हूँ मतलब मुझे आज uh, किसी चीज़ की uh, टेंशन नहीं है हाँ एक चीज़ की रहती है कि हाउ इज़ गोइंग वर्क ऑन कि लाइक कैसा मेरा काम धाम चल रहा है ठीक से चले और आगे बढ़े बढ़े लोग मेरे साथ जुड़े उनके साथ मैं काम करूँ और आगे बढ़ूँ और आगे बढ़ूँ और नेक काम करता जाऊँ बहुत से लोग अपने साथ जुड़ते हैं कोर्स में आते हैं सीखते हैं आगे बढ़ते हैं बस मैं यही आपसे कहना चाहूँगा कि आप भी ऐसा ही कुछ करते रहिए और डिजिटली होकर आगे बढ़ते रहिए थैंक यू सो मच दोस्त और अगर आप ऐसे ही कुछ मेरी चीज़ों पे नज़र रखना चाहते हो पर्सनल चीज़ों पे तो आप मुझे जो मेरा इंस्टाग्राम का अकाउंट है महात्मा जी टेक्निकल का उसको फॉलो कर लीजिए पर्सनल चीज़ें मैं सारी डिटेल करता रहता हूँ जैसे आप मुझे और मैं आपको नज़दीक से जान पाऊँ तो इंस्टाग्राम महात्मा जी टेक्निकल एट द रेट महात्मा जी टेक्निकल आप डालोगे वहाँ आ जाएगा मेरा अकाउंट तकरीबन फिफ्टी सेवन के फॉलोअर्स हैं आप आओगे थोड़ा और बढ़ जाएगा हम लोग मिलेंगे और प्यारी प्यारी बातें करेंगे वहाँ पर थैंक यू सो मच धन्यवाद